रामपुर में एक समय साथ साथ रहने वाले अब कट्टर दुश्मन बन चुके हैं। एक दूसरे पर शब्दों के बाण के जरिए जोरदार प्रहार कर रहे हैं। आप समझ गए होंगे कि रामपुर की बात हो रही है, तो बात हो रही होगी जयाप्रदा और आजम खान की। चौतरफा विवादों में घिरे आजम खान को जयाप्रदा भी जमकर खरीखोटी सुना रही है। सावन के महीने में जयाप्रदा रामपुर पहुंची और कावड़ियों के साथ कावड़ उठाया। इतना ही नहीं, कावड़ उठाकर जयाप्रदा कुछ दूर पैदल भी चली और बोले बम के नारे लगाए और शिव भक्तों से मिलने के बाद गेस्ट हाउस पहुंची। यहां उन्होंने आजम खान पर जमकर निशाना साधा और कहा कि आजम खान कुछ गलत नहीं कर रहे हैं तो सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। आजम खान साहब अगर वो गिल्टी नहीं फील करते हैं तो उनको कोऑपरेट करना चाहिए, चाहे ईडी का मामला हो चाहे पुलिस का मामला हो, तो उनको अगर अपना वो कार्रवाई कर रहे हैं तो उनको कोऑपरेट करना ज़रूरी है। इसमें मैं ईडी को इसमें इन्वॉल्व होना, तो मैं मुझे भरोसा है कि ईडी अपना काम करते हुए लोगों को, गरीब किसानों का जो उनके शिकायतें हैं और जो बुक्स पाया गया है चोरी के बुक्स, तो इसमें मदरसा आलिया का जो धरोहर है और उनमें जो हेरिटेज के जो बुक्स है जो महत्वपूर्ण होते हैं, वो बुक्स अगर यहाँ पे पाया गया है तो इसमें जांच होना ज़रूरी है। और इसमें कोई उनके पुलिस अपना कार्रवाई कर रहे हैं तो इसमें बाधा नहीं डालना चाहिए, लेकिन अब्दुल्ला आजम जो है वो छोटा है उम्र में, उनको वो नहीं है, मैच्योरिटी नहीं है, इसलिए वो लड़ रहा है पुलिस से। लेकिन कानून ऐसा नहीं होता है, कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, इसलिए कोई इसमें हम लोगों को कोऑपरेट करना बहुत ज़रूरी है, इसमें लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। आजम के विवाद पर जया ने कहा कि ये पूरा विवाद मायावती के समय से चल रहा है, बीजेपी केवल मामले की जांच कर रही है। आजम ने बहुत पहले ही लोगों को डरा धमका कर जमीन को अपने नाम करवाया। और दूसरी बात ये करना चाहती हूँ कि ये शिकायत जो है शुरुआत मायावती के रिजिम से, मायावती जब मुख्यमंत्री थी, आपको अगर वीडियो दिखाना तो हम आप चलाइए तो मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगी। तो इसमें पुराने ये जो गरीब किसान के ऊपर किस तरह इन्होंने महिलाओं को भी परेशान करते हुए रात में दो दो बजे तीन तीन बजे अपने घर से आदमी लोगों को उठाते थे और फर्जी केस लगाते थे, फिर उनको धमकाते थे, डराते थे, उनको मारपीट करते थे, उसके बाद ये सारे जो ज़मीन जो है इन्होंने लिखवाया। तो आज आजम साहब कहते हैं कि हमारे जो दामन साफ है, हम ऐसे कुछ काम नहीं करते हैं, हमारे छोटे घर में रहते हैं, बड़ी गाड़ियाँ जाती नहीं है। तो आज मैं ये पूछना चाहती हूँ आजम साहब, अगर आप सही हैं, आपके दामन साफ है, तो आप पुलिस को कोऑपरेट करिए, ईडी को कोऑपरेट करिए, आप ऐसे क्यों बयानबाजी कर रहे हैं? आप मुसलमान हैं इसीलिए आपके ऊपर ये सारे चीज़ें हो रही हैं, आपको धमका रहे हैं, आपके ऊपर ईडी केस लगवा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। इस संस्था पर मुझे भरोसा है, पुलिस के ऊपर मुझे भरोसा है, मुख्यमंत्री जी के ऊपर मुझे भरोसा है कि गरीबों के लिए, चाहे वो किसी के धर्म की हो, लेकिन उनके लिए न्याय दिलाने के लिए पूरी कोशिश होगी। आजम को नसीहत देते हुए जया ने कहा कि अल्लाह से ऊपर कोई नहीं होता, आजम का गुरूर अब टूट रहा है। समझना चाहिए कि कोई भी इंसान इंसान है, ये अल्लाह के ऊपर मैं हूँ ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए, ये अल्लाह उनका गुरूर तोड़ रहा है। अच्छा, आजम का साहब का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहा है कि मुझे लोकसभा चुनाव जीता हूँ उसकी मुझे ये सजा मिल रही है और ईडी और एसआईटी क्या मेरी जांच करेगी, मैंने जौहर अस्पताल जो है वो बंद कर दिया है। देखिए, ऐसा है कि जो उनके लिए अगर वो गिल्टी नहीं है तो वो सामने आए, वो जो कोऑपरेट करे, जो ईडी का हो या पुलिस का हो, उनके जो प्रशासन हो, उनमें जो कार्रवाई हो रहा है, तो ये क्यों ऐसे बयान दे रहे हैं? ये तो चुनाव के प्रक्रिया तो खत्म हो गया, अब वो जीत गए, वो सांसद बन गए, वो कह रहे हैं विधानसभा चुनाव आ रहा है, उपचुनाव, तो चुनाव तो आते ही रहेंगे। ये बयान का कोई वैल्यू नहीं है। हम हारे हैं फिर भी हम रामपुर आ रहे हैं ना, तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि रामपुर वाले मुझे धिक्कार दिया इसलिए मैं रामपुर से नाराज हूँ। क्या सपा के कद्दावर नेता जयप्रदा से डर रहे हैं? वो आप लोग कहे, मुझे क्या पता है, सामने कहेंगे, हम जनता से डरते हैं।
आपको बता दें कि जौहर यूनिवर्सिटी के विवाद में आजम खान पर प्रदेश सरकार ने कार्रवाई करते हुए उन्हें भू माफिया घोषित कर दिया है। साथ ही यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी से चोरी की किताबें भी प्रशासन ने बरामद की हैं। इसके बाद आजम और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने इसका विरोध जताया है। फिलहाल पूरे मामले में प्रशासन जांच कर रही है। रामपुर से रविशंकर की रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।